Assalamualaikum alaikum everyone this is Sabahat and welcome to my live session so first of all let me go on different platforms and see who's live with me or in the meantime those of you who are watching you can always let me know where you are logging from are you from pakistan are you from abroad yeah are you from any other province or district of pakistan so until you read, i'll just go on different platforms and see whether i'm live over there or not or ask topic it's very obvious so you can, you know, let me know what you think about this topic and uh, I have, uh, you know, seen a few comments which I just saw in the So some really good comments or uh, but then we are going to discuss the topic uh, in detail. So uh, let me go on other platforms and see uh, whether I'm live over there and then I can, you know, start with the session. Okay, so I can see myself live challenge. Okay. Let me go on the home page. And in the meantime, Okay. Yes, I can see myself. And I can see someone else who's live over here as well. सम वन हुज़ वॉचिंग अच्छा जी आज का जो टॉपिक है ना उसका मकसद बिल्कुल भी किसी की दिल आजारी करना नहीं है बट यू नो रा इट्स ये uh, अगर आपको जो है वो पॉइंट याद हो uh, शिकवा और जवाब शिकवा सो so ये भी सूरत हाल जो है ना शिकवा और जवाब शिकवा वाली ही मुझे जो है uh, लग रही है बन गई है क्योंकि टॉपिक विच वॉज वाई मैन फ्लड विद अदर व सो so, उसके जवाब में दिस इज द टॉपिक क्योंकि आप लोगों का भरपूर इतरार था कि भाई वाई डू आई ओनली टॉक अबाउट मैन एंड वाई नॉट वेमेन वेल देखें जो टॉपिक्स होते हैं ना आप उसको एज पर जेंडर अप्लाई कर सकते हैं सो इट्स नॉट दैट कि भाई हार्ड एंड फास्ट रूल्स ही हैं कि किसी एक जेंडर को एड्रेस किया है तो सिर्फ उसी के बारे में होगा सो इट कैन बी अप्लाई टू बोथ जेंडर्स सो आज का जो टॉपिक है इट कैन ऑल्सो भी अप्लाई टू बोथ जेंडर्स टॉपिक इज वाई विमेन सीक रिलेशनशिप विद एल्डरली मैन सो ये मेरा टॉपिक है तो क्योंकि मैं जो हूँ डिस्कस करना चाह रही हूँ तो यू नो आई एम नॉट बा अबाउट एनी जेंडर चाहे वो जो है फीमेल हो चाहे वो मैन हो आई बेसिकली टॉक ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसिस प्रोफेशनल इंसाइट्स एंड एज पर फैक्ट्स रिसर्च ये रिसर्च चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें जो है आप पर्सनल इंसाइट के साथ जो है टेली कर सकते हैं वैन यू टॉक विद सो मैनी पीपल यू कम टू नो कि भई वो भी इन इन एतवार से गुजरे हुए हैं और उनकी ज़िंदगी में भी ये ये चीज़ें गुजरी हुई हैं सो नथिंग इज़ यू नो कि मैं कहूँ कि हवा में बात हो गई है और उसके जो है रियालिटी के से कोई यू नो आपस में कोर रिलेशन ही नहीं है सो एवरी थिंग हैज़ अ कोर रिलेन विद द रियालिटी ओकेट मी टेक यूर कमेंट्स साथ के साथ मंसूर उलहक थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग

Uh, मर्दों के खिलाफ बात करती हैं वेल well, मैं मर्दों के खिलाफ बात नहीं करती जो ऑबियस चीज़ें होती हैं आई कांट इग्नोर दो थिंग्स सो दिस इज़ ऑल्सो एन ओबियस थिंग आई कांट इग्नोर इट सो बट ये है कि आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड कि भाई मेरा किसी की भी दिल आज़ादी करने का मतलब मकसद नहीं है आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो ले डाउन सर्टन फैक्ट्स विच आर रियालिटी और ये रियालिटीज़ जो है ज़िंदगी में चलती रहती हैं सो यू शुड ऑलवेज़ हैव अ ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट टू एक्सेप्ट आप जो है उसके अंडर दालते दा रहे कि नग्जिस्ट एज दोल्ड uh, okay, वालकुम अच्छा सो so, um, जहां तक इस टॉपिक की बात है ना लेट मी जस्ट स्टार्ट कि वाई डू विमेन सीख नो एल्डरली मैन फॉर रिलेशनशिप सो इसमें जो सबसे पहली चीज है ना येस uh, yes, काजी नदी अशरफ इट्स डिफिकल्ट टू Uh, सबसे पहले जो चीज़ है दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अगर आप जो है आज का ज़माना देखें इनफैक्ट um, आज ही के ज़माने की हम बात नहीं करते बल्कि पहले की भी हम अगर जमानों को देखें तो विमेन जो है ख़ास तौर पर जो मेचोर वीमेन होती हैं दे आर ऑलवेज यू नो दे आर अट्रैक्टेड टू ओल्डर मैन फॉर द रीज़न कि uh, जो ओल्डर मैन होते हैं दे हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके पास सिक्योरिटी होती है Uh, they can provide a sense of security Jo you jo have uh, young men hai, they can't provide that or The financial stability hai, that's the main cause jo young men hote hai, um they are still struggling to you know maintain that stability so that's the number one reason for women to get attracted to elderly men financially jo hai, they are stable and they are secure. और ओवरऑल uh, जो है देन देर आर सो मेनी अदर थिंग्स क्योंकि जिस तरीके से हर तरह के मर्द होते हैं इसी तरह से हर तरह की खातानी होती हैं अब ऐसी खवातियां भी होंगी जो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को या सिक्योरिटी को नहीं देख रही होती अदर दे आर लुकिंग एट अदर थिंग्स एज वेल लाइक बहुत सी ऐसी दे माइट वॉन्ट टू ट्रैवल और शायद किसी जो है बड़े उम्र के जो है बंदे से शादी करके उनकी वो ट्रैवल की ख्वाहिश पूरी हो जाए या देन बहुत सी अब के ज़माने में जो खतानी हैं या लड़कियाँ हैं खातान की तो मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि जो मेच्योर खातान हैं देर बियॉन्ड दीज थिंग देर नॉट इन टू यू नो फाइनेंस देर आर मच मोर इन टू यू नो मैंटली तौर पर कोई बंदा स्टेबल हो एंड दे कैन यू नो सेटल डाउन विद समन सो दे आर लुकिंग फोर काइंड ऑफ मैन जो कि मैंटली तौर पर स्टेबल होती हैं बट येस बहुत सी जो यंग लड़कियाँ हैं हु आर यू नो सीकिंग प्रपोजल्स ऑफ एल्डरली मैन दे आर गोइंगर यू नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देन अगर ट्रैवलिंग का शौक है तो वो फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी तो या स्टेबलिटी होगी तो वो ट्रैवल कर सकती हैं या अक्सर जो है यंग लॉड शॉपिंग का उन्हें बहुत ज्यादा शौक होता है तो दे आर लुकिंग टू वर्ड्स दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो कि उनको जो है शॉपिंग करवा सकें एंड ओवरऑल uh, जो है ओवरऑल देर आर अदर थिंग एज वेल दिस इज़ द नंबर वन थिंग अच्छा देन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ रिलेटेड विद मेचोरिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस सो जो ओल्डर मैन होते हैं बकोल इन ख़ुतियों के जो कि हुआ सीकिंग टू हैव रिलेशनशिप या परमानेंटली जो एल्डरली मैन के साथ सेटल होना चाहती हैं दे आर लुक जो ओल्डर मैन they're often prone to have experience. they are more mature and they can better communicate. क्योंकि जो यंगर मैन होते हैं दे कान कम्युनिकेट इन अ वे जिस तरह ख़वान को पसंद होता है सो so, जो एल्डरली मैन है uh, you know now बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं बट आई डोंट वॉन्ट टू यूज दैम वो अच्छे नहीं लगेंगे बट दैन येस जो थाट प्रोसेस होता है इफ़ इट गोज़ इन अ फ्लो तो ऑटोमेटिकली ऐसे वर्ड्स निकल आएंगे बट एज़ आई सैड मेरा किसी के दिल जारी करने का कोई अरादा नहीं है इट् जस्ट दू नो फ्लो फ्लो ऑफ थाट्स जो ऑटोमेटिकली जो है आपके जहन में चीज़ें आती हैं बातें आती हैं एंड यू कीप ऑन डूइंग इट क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा सोच सोच के जो है कोई लफ्ज़ अदा करूँगी तो इट वी यू नो

तो कुछ तो उनको एडवांटेज होगा ना किसी को कम्युनिकेशन का होगा किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का होगा किसी को सिक्योरिटी का होगा इमोशनल मेच्योरिटी भी किसी हद तक येस yes, मेच्योर होंगे तो um, उनको पता होगा कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने कौन से अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने तो इसी तरीके से तो जो है ख़्वीन उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी बट देन एवरी वन हैज़ यू नो देर ओन लाइक्स एंड डिसक्स बास लोगों को एल्डरली मैन मे बी जो है मोर देन दिस पसंद होते हैं मे बी जस्ट बिकॉज दे हैव गुड नेचर इसलिए उनको पसंद आ जाते हैं uh, जो जिनका मतलब नहीं होता सो so, उनको एल्डरली मैन दे गो बियड दैट स्टेज बियड दी फाइनेंस एंड द स्टेबिलिटी इन एवरी थिंग एंड दे जस्ट लुक एट दी पर्सन फॉर हु दैट पर्सन इज चाहे वो जितने भी एज ब्रैकेट का हो um, अच्छा लेट मी सीअम जय वालेकुम अस्सलाम थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड वाचिंग माय सेशन काजी नदीम अशरफ विद एज वन बिकम्स मोर वाइज देन यंग यस विद एज तो uh, बहुत बहुत लोग जो है ना uh, क्या कहेंगे uh, बहुत वाइज हो जाते हैं यस यू आर राइट बट यू नो व्हाट आई थिंक कि यंग यंगर लॉट में भी ना बहुत से लोग हैं जो कि बिफोर एज वो भी वाइज हो जाते हैं सो आई डोंट थिंक यू नो एज इज़ समथिंग हम इसको जो है ना एक क्राइटेरिया रखें कि भाई विद एज आपको विस्टम आता है yes बहुत से लोगों को विद एज ही विस्टम आता है बट बहुत से ऐसे यंगर लॉट भी है जिनको जो है अपनी यंग एज में ही विस्टम आ गया है यानी आप उनसे बात करते हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपके सामने कोई जो है यानी यू नो कि आप, आपके जिसके साथ जो है इंटरेक्शन हो रही है दैट पर्सन इज ऑफ ट्वेंटी इय ट्वेंटी फाइव या थर्टी ईयर्स ऑफ एज बट ये है कि जब वो बोलेंगे तो इतना ज्यादा विस्तम और इतना ज्यादा शऊर होगा कि आपको उनसे बात करके अच्छा लगेगा सो आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर और हम जो है यू नो एल्डरली लोगों को इस कसोटी पे नहीं नाप सकते कि भाई ये एल्डरली हैं ये वाइज हैं तो पेरेंट जो उनकी होंगे ना खसूसियात उससे देख आप कह सकते हैं कि हाँ शायद में ज़्यादा विस्डम है आ, किसी का सर सफ़ेद होगा किसी की दाढ़ी होगी आ, किसी का ओवरऑल जो है मुंह देखकर जो आपको पता चल जाएगा रिंकल्स के साथ कि यस ये जो है वाइज हैं एल्डरली हैं बट देन देर आर सो मैनी यंग पीपल जिनके जो है कुछ भी नहीं होता ना दाढ़ी होती है ना सफ़ेद दाढ़ी होती है इनफैक्ट ना दाढ़ी होती है और वो सफ़ेद तो बिल्कुल ही नहीं होती और देर आर स्टिल यंग बट ये है कि दे आर फुल ऑफ विस्डम बट यस इट इज़ यू नो अ कामन थिंग जो कि समझी जाती है कि भाई बुजुर्गी जो है ना जब आप एजड होते हो तब आती है बुज़ुर्गी एजड होने के साथ नहीं आती है आई थिंक एक्सपीरियंस है जो कि uh, आपको बता सकता है कि भाई आप में कितना विस्टम है एक्सपीरियंस uh, के साथ यू लर्न अ लॉट अच्छा आई वॉज टॉकिंग अबाउट मेच्योरिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि एल्डरली पीपल में होती है जो कि ख़्विन को अट्रैक्ट करती है Uh, और देन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है स्टेबिलिटी इन लाइफ स्टाइल है एंड करियर है जो कि अगेन अट्रैक्ट करता है ख़वान को जो uh, इंसान चाहे वो एल्डरली है वो जितना ज़्यादा अपने लाइफ में अपने करियर में जो इस्टेब्लिश होंगे उतने ज़्यादा जो है ना दी वीमेन वुड बी प्रोन टू यू नो गेट अट्रैक्टेड टू सच पीपल और दैन uh, इसमें अक्सर जो है यू नो वेमेन दे आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स हु हैव Have a sense of purpose and direction. क्योंकि विमेन uh, भी जो है ना लाइक वेन दे आर अट्रेक्टेड टूवर्ड एजडली या एल्डरली मैन तो दे आर गोइंग आफ्टर पीपल हु है लाइफ में सेटल्ड है करियर उनका जो सेटल है सेटल्ड है एंड दे डोट है आपको स्ट्रगल होती हैं और इन द सेम वे व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर या आपका जो है आ, जो एज अ कपल आपका जो पार्टनर होता है वो सफ़र कर रहा होता है वो स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि हर जो मैरिज लाइफ होती है ख़ास तौर पर जिसमें जो है यंगस्टर्स जो है यंगस्टर्स आपस में जो है उनकी शादी होती है तो दे हैव टू गो थ्रू स्ट्रगल्स इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल एट अ सर्टन एज इन देयर लाइफ सो आई एम टोकिंग अबाउट एल्डरली मैन के एल्डरली मैन को क्या फ़ायदा होता है जिसकी वजह से खातानी उनकी तरफ अट्रैक्टेड होती हैं और जिसकी वजह से वो जो है उनके साथ रिलेशनशिप बनाना पसंद करती हैं या उनके साथ शादी करना पसंद करती हैं यहाँ पर रिलेशनशिप इज़ नॉट के बे यू गो फॉर द हराम रिलेशनशिप आई एम टॉकिन अबाउट दल रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट के बी वो खावन जो कि एल्डरली मैन से शादी करती हैं आई एम नॉट से इन के बी ये गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड वाला कोई चक्कर है

सो so, इसलिए मैं उसी रिलेशनशिप के हवाले से बात करी हूँ बाकी वो रिलेशनशिप आई एम नॉट इन टू एट एंड आई नेवर प्रमोट दैट कल्चर एज वेल अच्छा सो so, uh, मैं आपको ये बता रही हूँ कि एल्डरली मैन को क्या फ़ायदे होते हैं और uh, किस वजह से खातें उनके साथ शादी करना चाहती हैं अच्छा uh, अच्छा एंड देन यू नो वॉट एक और चीज़ डोंट थिंक कि भाई एल्डरली मैन से मुराद मेरी ये है कि वो लोग जो कि यू नो एल्डरली मैन जो कि कबर में पाँव लटकाए बैठे होते हैं नो नो नॉट एट ऑल नॉटरली मैनज़ कि भई कोई आपसे पांच दस साल नहीं पांच तो साल तो खैर इतना ज्यादा एज गैप नहीं है टेन टू फिफ्टीन ईयर्स बड़ा होगा या ट्वेंटी ईयर्स बड़ा होगा उधर उतने जो है एज ब्रैकेट के ना उससे ज्यादा नहीं खबर में पाऊँ वालों की मैं बात नहीं कर रही um, रिहान रियाज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग यस काजी नदीम नदीमशरफ आपसे ही कह रहे हैं कि वी कैन टेक दिस टॉपिक फॉर बोथ जेंडर्स दिस टॉपिक इज बेसिकली फॉर बोथ जेंडर्स मोहम्मद अदील थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग अच्छा सो so, स्टेबिलिटी uh, uh, जो एल्डरली पीपल होते हैं दे स्टेबल इन देर लाइव एंड देर स्टेबल इन देर करियर सो दे डोंट हैव टू स्ट्रगल लाइक द यंगर लॉट क्योंकि अगर दो यंग लोग मिलकर ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं तो दे हैव टू स्ट्रगल जो uh, ख़ातून है वो अपने जो है डायमेंशन में स्ट्रगल कर रही होती है क्योंकि उसका भी करियर स्टार्ट होगा या मे बी शी माइट बी मिड करियर वमेन और जो बंदा है वो भी मिड करियर भी हो सकता है स्टार्टिंग पे भी हो सकता है बट ये है कि जो भी कपल होता है Uh, शादी के स्टार्ट में उसको स्ट्रगल्स फेस होती हैं और फिर उसके बाद जो है इफ़ दे आर यू नो दे आर सॉर्ट ऑफ कपल हु आर इन द गुड एंड बैड टाइम्स टुगेदर तो जो फ्यूचर uh, प्रोडक्ट है जो सबर है उससे भी बहुत यू नो आफ्टर रिजल्ट जो uh, कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है तो जो शादी होती है ना वो भी जो है आप आप तो जो है एक दूसरे के साथ ना सबर कर रहे होते हैं क्योंकि यू आर रिजॉइसिंग द गुड टाइम्स एंड द बैड टाइम्स टुगेदर और फिर उसके बाद जो आपको सबर का फल मिलता है वो मीठा ही मिलता है सो एज़ कम्पेयर टू एल्डरली मैन जो ख़्वीन जो है एल्डरली मैन के लिए जाती हैं तो दे आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी इन लाइफ एंड करियर ताकि उनको जो है ना वो जो स्ट्रगल्स हैं वो फेस ना करनी पड़े जो कि उन्हें शायद अपने एज ब्रैकेट के साथ करनी पड़े अच्छा देन इसमें जो है क्या हो जाता है uh, uh, फिर इसमें एक और जो है ना एक uh, बहुत ही जो पॉजिटिव चीज़ है एल्डरली मैन के साथ जो है रिलेशनशिप uh, uh, बनाने में एज अ हस्बैंड दैट इज़ कि भई आपको बड़ी अच्छी गाइडेंस और मेंटोरशिप मिल जाती है गाइडेंस और मेंटोरशिप आपको उधर से ही मिलती है जिस का जिसके पास कोई एक्सपीरियंस होता है चाहे वो लाइफ एक्सपीरियंस है चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस है चाहे वो जो है लाइफ स्किल्स एक्सपीरियंस है क्योंकि जब कोई एल्डरली मैन के साथ जो है यू आर इन टू रिलेशनशिप तो वो आपको एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकेंगे और एज़ कंपेयर टू एन एल्डरली मैन अगर कोई यंगर पर्सन होगा तो वो आपको शायद उस तरीके का मेंटोर ना कर सके या उस तरीके से गाइड भी ना कर सके जिसकी आपको जरूरत है लाइक like, uh, से इफ़ यू आर कंपेरेटिवलीगर दैन योर स्पाउस तो आपको बहुत बहुत जगहों पर जो है ना लाइफ एक्सपीरियंसिस उस तरीके से जो है फेस नहीं करना पड़ेंगे चैलेंजेस जिस तरीके से जो है एक यंगर कपल को करने पड़ते हैं सो so आपका जो स्पाउस है इफ़ ही इज एन एल्डरली पर्सन तो वो आपको जो है हर जगह पर मैंटोर भी कर देगा गाइड भी कर देगा ख़ास तौर पर जहाँ पर जो है इस्लामिक एजुकेशन की बात आती है तो वहाँ पर जो है जो आपके स्पाउसेज़ हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देते हैं इट एंड इट ऑलवेज़ पे पेज ऑफ़ क्योंकि देखिए जहाँ पर आपके जो मेटोर जो आपके स्पाउस हैं वो आपको मैंटोर करते हैं टू इस्लामिक एजुकेशन वो साथ में जो है आपको इस चीज़ पे इंक्रेज भी करते हैं कि इफ़ यू हैव करियर गोल्स एंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग तो वो उसमें भी जो है पेश पेश होते हैं Uh, so, they don't uh, you know become an obstacle in your way, be you can't do this, or you have to you know study just the Islamic aspect and you can't you know uh, pursue your own career. So, um, they are you know equally, um, they equally encourage you to do whatever you want, and uh, you can have uh, your you know basic Islamic education as well. Agar, that is, if you have knowledge, रेलिवेंट एजुकेशन नहीं है जो कि होनी चाहिए सो so, उसमें जो एल्डरली स्पाउस होते हैं दे एक्ट एज गाइडेंस एंड दे एक्ट एज मस और देन uh, जो है उसमें ओबियसली फिर आपके जो है ओवरऑल uh, जो है ग्रोथ की एक्सटेट होती है वन यू हैव अ स्पाउस इन द फॉर्म ऑफ अ मैंटोर एंड अ गाइड अच्छा देन उसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है uh, अमीन ख़ान लशवानदी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग अकील अहमद हाई मिस कैसी हैं हेलो मिस ठीक है हाई मिस फ हाई भी इस तरह कहते हैं जिस तरह पता नहीं हाई क्या हो गया है अच्छा अनदर थिंग डिफरेंट आउटलुक ऑन फैमिली एंड कमिटमेंट अच्छा जो एल्डरली मैन होते हैं ना दे आर ऑफन मोर कम एंड देर ऑफन मोर उनकी ना इंक्लिनिशन होती है

अगर जो है उसको नजर आ रहा है कि भाई कि मेरे सामने है इज नॉट सीरियस इज नॉट समवन हु वांट्स टू हैव कमिटमेंट तो अ वुमन वुड नेवर गो फॉर सच रिलेशनशिप्स एंड वो वैसे भी जो है आई थिंक इट्स नॉट इथिकल जस्ट टू गेट इनटू रिलेशनशिप विदाउट अ पर्पस पर्पस भी यही है कि यू हैव टू गेट मैरिड टू दैट परसन नॉट दैट यू आर नो कंसिडरिंग योरसेल्फ इनटू द फॉरेन कल्चर या वो कल्चर को आप एडोप्ट करने की कोशिश कर रही हैं यू हैव टू एड्रेस थिंग्स इन योर ओन कल्चरल एंड सोसाइटल जो वैल्यूज uh, हैं उसके मुताबिक अच्छा दैन uh, इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है लाइक जो खत है दे गो फॉर जेस्चर्स एंड दी ऑफ यू नो ऑफ एल्डरली मैन Uh, क्योंकि उन्हें उनका अंदाज बहुत अच्छा लगता है मे बी उनके अंदाज में वो मेचोरिटी उन्हें अच्छी लगती है कि वन दे टॉक विद यू एज अ वोमेन तो वो मेचोरिटी होती है जो उनको अच्छी लगती है एंड एज़ कम्पेयर टू एल्डरली मैन अगर कोई यंगर लॉट उनसे जो है बात करता है तो वो जिस अंदाज में बात करेगा जिसमें जो है वो फ्लर्ट uh, भी होगा काइंड ऑफ छछुरापन भी होगा और शायद उनकी नेचर को वो चीज़ अच्छी ना लगे सो दे ऑलवेज़ लुक फॉर मैन हु आर सीरियस और जो टू द पॉइंट बात करते हैं ना थोड़ी इधर ना थोड़ी उधर डायरेक्ट ऑन द स्पॉट बात ओके दिस इज़ वट वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट एंड दिस इज़ वट वी वॉन्ट टू शेयर सो उनके बात में जो है ना जो एल्डरली मैन है उनकी बात में एंड देन देर आर यंगर मैन एज वेल जो कि डायरेक्ट जो है ऑन द स्पॉट बात करते हैं और उनकी बात से भी जो है आपको नहीं फील होता कि भाई अच्छा ये आपके साथ फ्लर्ट करते हैं Uh, कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं बट इवेंचुअली जो फ्लर्ट करते हैं उनके किसी ना किसी अंदाज़ में किसी ना किसी बात में आपको समझ आ जाती है कि आपके साथ रहे हैं सो so, उसके लिए यू जस्ट हैव टू कीप योर माइंड ओपन यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि कोई आपसे बात कर रहा है तो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है उसका क्या मतलब हो सकता है या क्या मकसद हो सकता है सो फॉर देट यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन अच्छा फिर इसमें एक और चीज़ क्या हो सकती है एक और चीज़ इसमें यह आती है कि जो एल्डरली मैन होते हैं दे हैव द पावर एंड इन्फ्लुएंस और दे आर वेल सेटल्ड और पावर एंड इन्फ्लुएंस किस तरह हो सकता है कि लाइक यू वांट समथिंग इन लाइफ और uh, चाहे वो करियर ओरिएंटेड है या चाहे वो पर्सनल है तो uh, आपके जो स्पाउसेज uh, हैं पीपल तो दे हैव दैट पर्टिकुलर पावर होता है या इन्फ्लुएंस होता है जिसमें वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है सो यू नो रिलेशनशिप इट्स अ टू वे प्रोसेस इस तरीके से नहीं हो सकता कि भाई आप एक बंदे uh, पे जो है हाथ रख लें कि भाई ये एल्डरली पर्सन है और यही जो है uh, आप उन्हें उससे अपने सब मतलब निकाल नहीं है इट्स रिलेशनशिप्स डोंट वर्क लाइक दैट क्योंकि आप जो है किसी एक बंदे से इवन इन रिलेशनशिप भी जो है ना आप किसी एक बंदे से मतलब नहीं निकाल सकते क्योंकि यू आर इन टुगेदर एज पार्टनर्स सो रिलेशनशिप इट हैज़ टू बी टू वेज अगर रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही भी बैंक करेंगे और एक ही से जो है सारे काम करवाएंगे और सारे रिलाई ही उस पर करेंगे तो दैट वुड बी बींग सेल्फिश सो रिलेशनशिप्स आर नॉट सेल्फिश रिलेशनशिप्स में इक्वली आपने एक दूसरे के साथ uh, पुट अप करना होता है एक दूसरे को फैसिलिटेट करना होता है यू एक्सेप्ट द पर्सन विद ऑल हिज हर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो वीकनेसेस होती हैं उस पर जो है यू वर्क टुगेदर टू बिकम एबल इन अ वे या यू वर्क इन अ वे कि एक दूसरे को आप एम्पावर करते हैं कि उनकी वीकनेसेस ओवरकम वो कर सकें और आप उनको फैसिलिटेट कर सकें और जो स्ट्रेंथ्स होते हैं स्ट्रेंथ्स के लिए आप एक दूसरे को अपलॉट करते हैं इसी तरीके से तो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है वरना तो हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहें या हर वक्त जो है मुक़ाबलेबाजी शुरू हो जाए या हर वक्त जो है एक दूसरे की जो है लेग पुलिंग करते रहें सो रिलेशनशिप्स हैव टू बी यू नो म्यूचुअली बोथ हैव टू बेनिफिट ईच एंड अदर म्यूचुअली एंड दिस म्यूचुअल बेनिफिट इज़ इन द गुड सेंस इट्स नॉट इन द बैड सेंस कि भाई आप जो है मतलब निकालो तो उस तरीके से म्यूचुअली बेनिफिट करो म्यूचुअली बेनिफिट इन द सेंस कि लाइक योर हस्बैंड अर्नस और यू डू द कुकिंग सो दिस इज़ हाउ यू आर म्यूचुअली बेनिफिटिंग ईच अदर कि एक जो है कमा कर लाता है और दूसरा जो है पका कर जो है खिलाता है सो टू वे ना इट्स नॉट दैट कि वही वही कमा कर आ रहा है वही फिर कमा कर आकर घर थका हुआ आए तो फिर आकर आपके लिए कुकिंग करे दिस इज नॉट म्यूचुअल रिलेशनशिप ना और सो यू यू नो इंडिविजुअल्स आर इन टू गथर अच्छा देन और क्या इसमें चीज़ हो सकती है अच्छा और इसमें यह है कि भाई देखें एक टाइम था जब ये बहुत मायूब बात समझी जाती थी कि भाई आप अपने एज से बड़े बंदे से के साथ शादी कर रही हो अब जो है जो सोसाइटी है जो कल्चरल शिफ्ट है और जितने जो है माइंड ओपन हो गए हैं तो अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपसे जो है कितना बड़ा है या कोई आपसे खैर छोटे का तो अभी भी जो है कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है बट आई हैव सीन मेनी मैन जो कि आपसे एज में बहुत छोटे होते हैं लाइक आई हैव सीन ट्वेंटी यर के या ट्वेंटी प्लस के जो कि एल्डरली ख़ी के पीछे होते हैं बट दैन उनके बैक ऑफ द माइंड इंसेंटिव्स और होते हैं और वो वही इंसेंटिवस होते हैं जो मैं कि मैं कह रही हूँ कि खातन एल्डरली मैन के पीछे क्यों जाती हैं इन द सेम वे अगर ख़वास्टर्स या यंग या लड़कियाँ जो है एल्डरली मैन के पीछे जाती हैं तो वही सेम साइकोलॉजी है जो कि मैन पे या बॉयज़ पर भी अप्लाई होती है वो भी जब एल्डरली खातन के पीछे जाते हैं तो उधर भी बैक ऑफ द माइंड यही चीज़ होती है बट uh, देन बहुत सी ऐसे सिनेरियोस भी होते हैं जहाँ पर एक जनरल जेनवन लाइक लाइकनेस होती है वन यू लाइक द पर्सन चाहे वो ख़ातून है चाहे वो बंदा है और फिर उसमें जो है आप नहीं देखते कि भाई उसकी एज क्या है उसकी एज ज़्यादा है उसकी एज कम है uh, कम के पीछे तो मैं देखती हूँ कि कम बंदे हैं जो कि कम एजें एज वाली जो है लड़कियों के पीछे जाते हैं ज़्यादातर जो है यानी आज की जो सोसाइटी है और आज की जो जनरेशन है दे गो आफ्टर दी एल्डरली वुमेन सो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखनी है यू कैन अप्लाई दीज फैक्ट्स टू टू बोथ जेंडर चाहे वो मेन हैं चाहे वुमेन हैं चाहे लड़कियाँ हैं चाहे लड़के हैं हर एक पे ये सारे फैक्ट्स अप्लाई होते हैं एंड आर ओवर दीजा सजा रसूल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग एजाज़ अहमद अशारी थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग ओके थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एज वेल अच्छा दैन इसमें एक और जो पॉइंट है दैट इज़ कॉन्फिडेंस एंड इजर्टिस्स जो एल्डरली मैन है उनमें बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि दे आर सेल्फ एश्योर कि वट देर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो तो फट फट के आ रहा होता है बाहर और uh, देन uh, चूँकि उन्होंने काफ़ी जिंदगी गुजारी होती है काफ़ी एक्सपीरियंसेस होती हैं तो दे नो वट दे और शायद इसी वजह से जो ख़ुत हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट uh, होती हैं क्योंकि दे नो कि भाई हाउ टू यू नो अट्रैक्ट दी वेमेन एंड हाउ टू बी डायरेक्टिव एंड हाउ टू यू नो अप्रोच दी वेमेन क्योंकि विद टाइम जो है ना आपको कम्युनिकेट करना आता है तो जब आप जो है इतने लाइफ गुजार चुके हों तो आपको आ जाता है कम्युनिकेट करना और अगर तब भी नहीं आपको कम्युनिकेट करना आता तो फिर आपको चाहिए आप जाएं और सेशंस लें कम्युनिकेट करने के ओके देन इसमें और क्या चीज है यस uh, yes, इसमें एक जो आखिरी चीज है ना दैट इज कि ये वाली जो रिलेशनशिप होती है ना विमेन गोइंग आफ्टर एल्डरली मैन इसमें जो है म्यूचुअल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स बहुत साइड पे होते हैं uh, जो चाचा जी हैं ही फील्स के भाई आई एम वेरी यंग एंड आई एम वेरी वाइटल एंड कि मुझे अपने से इतनी कम एज ब्रैकेट की खातून मेरी है या हो सकता है अपने ही हान की हो इतनी एल्डरली ना हो बट स्टिल अगर जो है चाचा जी और ख़ातून में जो है एक दो साल का भी डिफरेंस होना तो फिर भी चाचा जी इज़ गोइंग टू तो फील वेरी यंग ओके आई एम सॉरी आई डोंट मीन इट एज नो एज अ ऑफेंस कि भाई कोई समझे कि मैं उनको चाचा जी कह रही हूँ आई एम जस्ट एड्रेसिंग दी एल्डरली लॉट सो क्योंकि आई एम स्टिल यंग पर्सन सो मैं तो जो हूँ जो चिट्टी दाढ़ी वाले हैं या बुजुर्ग लोग हैं तो मैं तो उनको आराम से चाचा जी कह सकती हूँ um, Uh, and Anyone can call me a chachi cha ji as well, but I don't have white or gray hair. So not a chachi as yet um, Okay, this was on the lighter note as I may talking to about it There's a lot of potential for mutual benefit uh, on both sides Ke, uh, The elderly men they feel uh, vital and they have a fresh perspective क्योंकि भई उनके साथ तो जवान जहाँ जो है कंपेनियन होती है चाहे वो जो है एक दो साल यंगर ही हो और ओबियसली uh, जो विमेन है उनको भी जो है अपने बेनिफिट uh, मेरा होता है दे कैन फाइंड दी स्टेबिलिटी दे कैन फाइंड दी सिक्योरिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी एज वेल सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि मेरे माइंड में थी एंड आई वॉन्ट टू शेयर अब कोई मुझे ये ना कहे कि मैं जो ख़्वीन पर बात नहीं करती और मैं सिर्फ जो है Uh, मर्दों की किट लगाती हूँ सो so, मैं जो हूँ किट तो किसी की नहीं लगाती फैक्ट्स पे ही बात करती हूँ या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर बात करती हूँ ओके थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज इमोजीज़ एंड आज तो आप लोगों ने बड़े दिल खोल के जो है दिल फेंक रहे हैं uh, इतना आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आ गया सो so, अगर आपको ऐसे टॉपिक्स जो है बहुत अच्छे लगते हैं या uh, और कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट में आपको टॉपिक्स अच्छे लगते हैं यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द इनबॉक्स एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू

जो है ज्यादातर जो लॉट्स हैं लड़के लड़कियाँ या खातून या बुजुर्ग लोग वो आपस में कर लेते हैं और फिर देर लेट पेरेंट्स नो के ओके वी आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर तो अब आप हमारी जो है शादी कर दें और आप कह रहे हैं एल्डर मैन बिहेवियर लाइक पेरेंट्स विद लेडी तो इज इन डैट गुड अगर एल्डरली मैन जो है नहीं बट बिहेवियर लाइक पेरेंट्स नहीं इस तरीके से तो नहीं होता तो भाई देखिए आप बीवी को तो एस बीवी ट्रीट करेंगे ना पेरेंट्स थोड़ी ट्रीट कर सकते हैं यस yes, आपका एटीट्यूड शफीक हो सकता है ऑन द प्रीटेक्स के भी आपकी जो uh, दुल्हन है वो एज ब्रैकेट में छोटी है तो आपने उससे जो है शफीक तरीके से पेश आना है बट यू कॉन्ट बी अ पेरेंट वो तो उस निकाह टूट जाएगा ना काजी साहब क्या बात करें हैं अच्छा <laughs> आई एम सॉरी इट वॉज इट वॉज नॉट टू बी डेटरी चाचा यू आर नॉट ओके नो नो देखिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैंने आपको बिल्कुल भी चाचा जी नहीं कहा यू आर अ वेरी ग्रेसफुल मैन टू मीन मैं तो जो है देखिए एल्डरली मैन की बात करी थी मैंने आपको कब कहा कि देखिए आई वॉजेंट कंसिडरिंग यू एंड सम अदर वुमेन Uh, I was talking about other Chacha Jis, not you. I respect you a lot. And plus, you are my spiritual mentor. I can't uh, be disrespectful to you. Okay, you're welcome. Okay, so uh, this is uh, all. Or uh, now I'll just try to bring you live on camera. If you want to come live on camera, you're more than welcome. So, I have two people. Uh, जो मुझे अभी ना अपने टॉप ऑफ द स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं सो आई ट्राई वन इज आई गेस समवन न्यू आलमजेब आई ट्राई टू ब्रिंग यू लाइव ऑन कैमरा अगर आप लाइव आना चाहते हैं तो यू कैन कम लाइव और अलीशा दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर बट नॉट लाइक पेरेंट्स हु हैज सॉफ्ट कॉर्नर अलीशा प्लीज एक्सप्लेन हु हैज सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर बट नॉट लाइक पेरेंट्स आपने एक फिक्रा लिखा है प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी अच्छा सो आई हु आर लाइव एट द टॉप ऑफ स्क्रीन मैं उनको जो है लाइव ला रही हूं कैमरे पे आपने जो लाइव आना है मोर देन वेलकम और अगर आपने डिक्लाइन करना है तो तब भी टोटली आपकी मर्जी है नो no इश्यूज क्योंकि आप लोगों को शर्म ही बहुत आती है अब मैं क्या करूँ तो फिर मैं कहती हूँ आप लोग जो है शर्म आए तो मैं तो कोशिश करती हूँ आपको लाइव लाने की जी नदीम अशरफ में आपको लाइक जाती हूँ अगर आपके वहां पर सिग्नल है एंड आई होप आपके शिप में जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो ठीक हो गए हैं एंड यू है लैंड ओके सो इट स्टिल यू नो कनेटिंग अगर जो है कनेक्शन स्टेबल हैं तो आई कैन ब्रिंग यू लाइव इज आई कैन यू नो वेट एवरी वन बाय बाय एंड दैन आई विल कम लाइव अगेन ऑन वे अच्छा अलीशा यू रेडी टू कम लाइव बट आप तो मुझे टॉप ऑफ स्क्रीन पर नहीं नजर आ रहे किधर हैं आप इफ यू कम लाइव तो मुझे टॉप ऑफ स्क्रीन पर तो नज़र आई ना मैं फिर ही लाइव लूँगी ऐसे कैसे लूँ सो यू है टॉप ऑफ माई स्क्रीन आप आएंगे तो मैं लाइव लूंगी आपको लाइव नहीं दे सकती चलें जी, इसके साथ ही मैं सेशन को वाइंड अप करती हूँ और इनशाला टमोरो इज ट्यूजडे नॉट ट्यूजडे ऑनडे आई कम लाइव अगेन और अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे डिस्कस करूँ तो मुझे इन बॉक्स में बता दीजिएगा जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूँ और देन अगर कोई कुछ नहीं बताएगा तो मैं खुद ही डिस्कस कर लूंगी किसी ना किसी टॉपिक कोई मेरे पास टॉपिक्स की कमी तो नहीं है ना एक पास उठाऊंगी तो दस टॉपिक्स निकलेंगे आलमजेब नो इशूज नो वरीज ओके सो इन आई सी यू अगेन ऑन वे अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अगर कोई बात मेरी किसी को बुरी लगी हो अनकॉन्शियसली बुरी लगी हो मैंने ऐसी बात की हो ओके आई कैन सी अलीशा अलीशा ओके आई जस्ट ट्राई मी सी तो अभी मैं जो मुद्दे करने लगी थी अब अलीशा गए हैं अब मैं इनको लाइव ले ले लूँ okay. चले अलीशा मैं आपको तो लाइव ले लूँ आपको तो गिला ना रह जाए कि आपको तो लाइव नहीं लिया ज्वाइनिंग एंड आई एम वेटिंग ओके सो इट वॉज डिक्लाइन ओके जी चलेंगी फिर जो है हम वाइंड अप करते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखियेगा अल्लाह हाफिज